हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी व्याकरण का भाग रस पढ़ाएंगे। रस की परिभाषा देखेंगे। किसी काव्य को पढ़ने सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं टीवी में, उसमें कोई दृश्य हमारे सामने आया, लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को देखकर हमारे अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो गया तो वो भी रस है। किसी दृश्य को देखकर हमारी आंखें द्रवित हो गई, हमारी आंखों में आंसू आ गए, यह भी रस है। और किसी वात्सल्य भाव को देखकर हमारे मन में एक नई अनुभूति का, एक नए आनंद का भाव उत्पन्न हुआ, वह भी रस के अंतर्गत आता है। रस के चार अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? वे भाव जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों को जागृत करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं, इनको बनाए रखने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं, और वे भाव जो कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। हिंदी में स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है। अगर नवरस मान के चलते हैं तो पहले 9 रस थे तो 9 स्थायी भाव थे, लेकिन एक रस बढ़ गया। सूरदास जी ने वात्सल्य रस की उत्पत्ति की। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है। वात्सल्य रस वह रस होता है जो बालक के क्रीड़ाओं को देखकर हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसे माँ के मन में उत्पन्न होता है, बालक की आनंदमयी क्रीड़ाओं को देख करके उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अब रस उत्पन्न कैसे होते हैं हमारे हृदय में, इसके लिए रस की निष्पत्ति या हम कह सकते हैं इसको उत्पत्ति, ये रस की उत्पत्ति कैसे होती है देखिए। तो हमारे हृदय में स्थित जब इस स्थायी भाव का, ये आपके सामने है स्थायी भाव, जब इस स्थायी भाव का इन तीन से संयोग होता है, इस स्थायी भाव का जब इन तीनों से संयोग हो जाएगा, विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से, ये तीनों से जब संयोग हो जाएगा तब रस की उत्पत्ति होगी। अब हम देखते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस 10 प्रकार के माने गए हैं। चूंकि 10 रसों को जब हम याद करते हैं तो कई बार याद करते करते भूल जाते हैं, फिर बीच में बच्चे कई अन्य प्रकार के रस लगाते हैं, नींबू का रस, संतरे का रस, तो वहां दिक्कत खड़ी हो जाती है और चेक करने वाला आपके अंक काट लेता है। कहीं ना कहीं अल्प ज्ञानी है बालक इस कारण से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए हमने एक सूत्र निर्धारित किया है। सूत्र है अभी कबीर हंसा, इससे सारे 10 रस बन जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं अभी ऊपर आपके लिए ये सारे रस बनाऊंगा सूत्र के द्वारा। आप इसको विधिवत आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। जीवन में कभी रस भूलेंगे नहीं आप लोग इस सूत्र के माध्यम से। मैंने ये सूत्र लिख दिया यहां पर। सूत्र है अभी कबीर हंसा, अभी कबीर हंसा। अब देखिए आ से एक रस बनता है, ये मात्रा हटा दें तो आ भ क व र ह स ऐसे वर्ण हो जाते हैं। इन वर्णों को आधार मानते हुए हम रसों का वर्गीकरण करेंगे। ये वा से भी एक रस बनता है, का से एक बनता है, वा से तीन बनते हैं, रा से एक बनता है, हा से एक बनता है, सा से दो बनते हैं। ऐसे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर इसका रस और ये इनके स्थायी भाव, कौन कौन से रस का कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं, इसका ये वर्गीकरण हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम ये वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे तो पहला वर्ण है हमारा आ। हम आ से बात करते हैं तो पहला रस हमारा बन जाएगा अद्भुत रस। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। दूसरा है भी न मानते उसको भ मानेंगे वर्ण, तो भा से हमारा दूसरा रस बन जाएगा भयानक रस। और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जब हमारे मन में किसी भी घटना को देखकर कोई डर और भय उत्पन्न होता है तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। तीसरा वर्ण आता है क, इससे बनता है करुण रस।
और करुण रस का स्थाई भाव होता है शोक, करुण का स्थाई भाव होता है शोक। अगला है वाह, वाह से हमारे तीन रस बनते हैं, वाह से हम देखेंगे आप बनाएंगे तीन रस बनेंगे। पहला रस बनेगा वाह से वीर रस, दूसरा रस बनेगा वाते वात्सल्य रस, और तीसरा रस वाह से बनेगा विवत्स रस। ऐसे तीन रस बनेंगे हमारे, तीसरा बनेगा विवत्स रस और पहला वीर का स्थाई भाव होता है उत्साह, वात्सल्य का स्थाई भाव होता है स्नेह या बाल प्रेम कह सकते हो आप, या वात्स भी हो सकता है, और विवत्स का होता है घृणा, घृणा या जुगुप्सा, जुगुप्सा भी कह सकते हो उसको। अब उसके बाद अगला रस होता है, ये का हो गया, ये वा हो गया, अब रा से बनता है हमारा, रा ले ले हम तो रा से बनेगा हमारा रौद्र रस, और रौद्र का स्थाई भाव होता है क्रोध। इसके बाद रा से अगला बनता है हा, हा हा से बनता है अगला रस होगा हा, और हम हा से देखेंगे तो हा से अगला आठवां रस हमारा बन जाएगा हास रस, और हास का स्थाई भाव होगा हसी, और अगला हम देखेंगे आके बाद ये हमारा सा हो गया यहाँ पर, तो सा से रस बन जाएगा, दो रस बन जाएंगे सा से। पहला रस बन जाएगा श्रृंगार रस, श्रृंगार का स्थाई भाव होगा रति या प्रेम भी बोल सकते हैं उसको अपन, और अगला सा से रस बन जाएगा शांत रस, और शांत का स्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद, शांत का स्थाई भाव निर्वेद। इस प्रकार से हम सारे रसों को सहज में आसानी से अच्छे तरीके से इस सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये आपके लिए सूत्र है अभी कभी रसा। अब आगे हम रसों की परिभाषा और रसों के उदाहरण आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। पहला रस है अद्भुत रस, आपके सामने ये पहला रस है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थाई भाव होता है आश्चर्य। तो परिभाषा, हम सारे रसों की जब परिभाषा बनाएंगे तो स्थाई भाव का नाम लिखेंगे और उसका संयोग विभाव अनुभाव संचारी भाव से कर देंगे, तो जिस रस का स्थाई भाव का नाम लिखेंगे वही रस उत्पन्न हो जाएगा। एक जैसी परिभाषा, आपको अलग अलग परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही परिभाषा से दसों रसों की परिभाषा बन जाएंगी आपके लिए। ऐसा हमने ये यहाँ एक छोटा सा निकाला है नियम। तो आश्चर्य स्थाई भाव का नाम है, तो आश्चर्य नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, संयोग माने मिलन, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे जैसे हम भयानक रस की परिभाषा याद देखना चाहें तो भयानक का स्थाई भाव होता है भय, तो भय नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तीसरा है करुण, तो करुण नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, करुण का स्थाई भाव होता है शोक, तो शोक नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो जिस रस का हम स्थाई भाव लगा देंगे उस रस की उत्पत्ति हो जाएगी। सरल परिभाषा है, सबकी एक जैसी बन जाती है। अब अद्भुत देख लें, अद्भुत का उदाहरण है एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई, पहले पूत पीछे वही माई, चेला के गुरु लागे पाई। इसमें अचंबे वाली बात आ रही है, आश्चर्य वाली बात आ रही है। तो जहां आश्चर्य वाली बात होती है वह अद्भुत रस होता है। एक और उदाहरण बता रहा हूं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदनाना। बिनु पद चले, बिना पैरों के चल रहा है, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहा है। तो देखिए यहाँ कितने अचंभे वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। ऐसे अन्य अन्य कई उदाहरण आ सकते हैं, एक रस के बहुत सारे उदाहरण पाए जाते हैं। और अपन को तो कोई भी एक उदाहरण याद हो उससे अपना काम हो जाता है, जो सबसे सरल लगे आप उसको याद कर सकते हैं। दूसरा है भयानक रस, तो भय नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है एक ओर अजगर लखे,
एक और मृग राय विकल बटो ही बीच में परो मूर्छा खाए। यहां देखिए भय उत्पन्न हो रहा है किसी जीव के अंदर, इसलिए यहां पर भयानक रस है। अगला है करुण, करुण का स्थायी भाव है शोक, तो शोक नामक स्थायी भाव का उन्हीं तीनों से संयोग कर दो, स्थायी भाव विभाव अनुभाव, तो हमारे अंदर कौन सा रस उत्पन्न हो जाएगा, करुण रस उत्पन्न हो जाएगा। देखिए इसका उदाहरण है कि देखे सुदाम के दिन दशा करुणा करे के करुणा ने धेरोए पानी परत को हाथ छुओ नहीं ने नैनी के जल सो पग धोए। ये करुण रस का उदाहरण है, ये अधूरा सा लग रहा है और आगे से भी देख सकते हो उसको कि द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो चके सुब सुदा अविरामा धोती पटी सिलती दुपटी और पाए ओ पान हूँ को नहीं साम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। अब देखिए यहाँ पे देखे सुदामा के दिन दशा करुणा करे के करुणा ने दे रोए पानी परत को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ देखिए श्री कृष्ण सुदामा जी की दशा को देखकर इतने द्रवित हो जाते हैं, इतने करुणामयी हो जाते हैं, करुणा के सागर, करुणा के सिंधु यहाँ इतने द्रवित हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो पानी परात का हाथ नहीं लगाते हैं, उससे सामने रखा रहता है और अपने आंखों के जल से ही आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो देते हैं। यहाँ करुण रस उत्पन्न हो रहा है। अगला है वीर रस, किसी दृश्य को देखकर हमारे अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां वीर रस होता है। वीर का उत्साह स्थायी भाव है, तो उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब इस वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण हम देखेंगे कि सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसके और भी कई उदाहरण हो सकते हैं, तुमने पढ़े होंगे कि चमक उठी सन सत्ता वन में वह तलवार पुरानी थी बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक और वीरस की सबसे श्रेष्ठ रचना है खूनी हस्ताक्षर गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखी थी, आप लोग समझते हैं सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखी, ये कविता लिखी है गोपाल प्रसाद व्यास ने। इसमें सुभाष चंद्र बोस को आधार माना गया है, कहा गया है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जी मन रवानी है जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने खून की सही सही कीमत पहचानी थी जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा तुम बहुत जी चुके हो अब देश के लिए तुमको मरना होगा। ऐसे वीरता का भाव उत्पन्न कर देने वाली कविताएं, इसको हम वीर रस उत्पन्न होता है ऐसी कविताओं के माध्यम से। अगला है वात्सल्य रस, बालक की किरणाओं को देखकर माँ के हृदय में जो ममता का भाव उत्पन्न होता है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो जब स्नेह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है कि मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोए दूध पियत भय अजुए जे छोटी। ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार गोपियां अपने मन में अभिलाषा करती हैं कि कन्हैया मेरे घर में आवे और माखन खावे तो हमें बड़ो आनंद आवे। कन्हैया उनकी भावना को समझ लेते हैं, उनके घर में जाते हैं माखन खाते हैं और पकड़े जाते हैं, गोपियां माता यशोदा के सुपुर्द कर देती हैं। और यशोदा मैया जब उनसे पूछती हैं तूने माखन खायो तो कन्हैया कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं मेरे मुख लपटायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इन किरणाओं को देखकर हमको लगता है कि बालक की कितनी मनोरम दृश्यमयी करुणामयी भावनाओं का वर्ण है
और जहाँ बालक की किरणों के माध्यम से माँ के हृदय में स्नेह की उत्पत्ति हो, माँ के हृदय में ममता का भाव उमड़ आए, वहाँ वात्सल्य रस होता है। छठवा, मैंने पांच रस अभी आपको समझा दिए, छठवा रस है विवत्स रस, इसका स्थायी भाव है घृणा। तो घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब विवत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अतः आनंद और धारत। माने एक मरे हुए पशु के ऊपर एक काग माने कौआ बैठा हुआ है और उसकी दोनों आंखों को नोच नोच के खा रहा है। एक स्यार, उसकी स्यार माने गीदड़, स्यार माने गीदड़ उसकी जीव खींच रहा है। काग माने कौआ, उसकी आंखें, दोनों आंखें निकाल रहा है। कितना घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विवत्स रस है। अगला है रोत रस, रोत माने क्रोध। तो क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रोत रस की उत्पत्ति होती है। किसी भी दृश्य को देखकर जब हमारे हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए, हमारी आंखें लाल हो जाएं, तो वहां पर रोध रस होता है। जैसे श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध से जलने लगे सब शोक अपना भूल कर, कर तल युगल मलने लगे। तो यहां रौद्र रस है। अगला है हास रस। किसी दृश्य को देखकर जब हमारे हृदय में हंसी का भाव मन प्रसन्न हो जाए, हंसी का भाव आ जाए, तो वहां हास रस होता है। जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर पे ही छोड़ो, वही करेंगे हुड़दंगा। ऐसे कई उदाहरण आ सकते हैं। जैसे फादर ने बनवा दिए दो कोट छह पेंट, लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट हुआ हॉस्टल में भर्ती, दिन भर खाए बिस्कुट रात को चाटे मिर्ती, जो मुफ्त में फिल्म दिखाए उसी को मित्र बनाए, और कॉपी पे कैटीना कैप के चित्र बनाए। ऐसी पढ़ाई चल रही है। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्यों को देखकर सुनकर उनको पढ़कर हमारे मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, मन प्रफुल्लित तो हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वह हास्य रस होता है। श्रृंगार रस अगला है। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। किसी दृश्य को देखकर, किसी घटना को सुनकर पढ़कर हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सब सुधे भूल गए कर, टेक रही पलटारते नहीं। यह संयोग श्रृंगार है। और भी हो सकते हैं संयोग श्रृंगार के बत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे, देन कहे नट जाए, नकस करूप भरे खरे, तव मांगत मुस्कान, तजतन लोचन लालची, ये ललचो ही वान। दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। अगला है शांत रस। जहाँ किसी दृश्य को देखकर पढ़कर सुनकर हमारे मन में भक्ति का भाव जागृत हो जाए, शांति का भाव जागृत हो जाए, मन एकदम आनंदित हो जाए, वहाँ शांत रस होता है। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये मैंने आपको पूरे रस समझाए। अब इसके आगे मैं जो है, मैंने रस समझा दिए पूरे, इसके बाद धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये सारे रस समझ जाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा।
और धीरे धीरे समझ में आता है, एकदम नहीं आता। कैसे आता है, मैं एक छोटा सा हास्य उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक बार एक डीओ साहब एक विद्यालय को चेक करने के लिए गए। उन्होंने चेक किया, एक छोटी सी कक्षा थी, कक्षा एक की क्लास लगी हुई थी। एक शिक्षक मैथ के पढ़ा रहे थे, बहुत पढ़ाने में बहुत अच्छे थे, होशियार थे। उन्होंने उस शिक्षक से कहा कि क्या पढ़ा रहे हैं, बोले मैथ पढ़ा रहे हैं। फिर बच्चों से पूछा, मैथ में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या है। एक बच्चे को खड़ा किया डीओ साहब ने, और डीओ साहब ने पूछा उस बच्चे से कि 2 और 2 कितने होते हैं। बच्चे ने उंगलियों पर गिने और बोला, सर 5 होते हैं। वो शिक्षक आए और शिक्षक ने बच्चे को शाबाश दी, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, ऐसे उन्नति करता जाएगा। डीओ साहब बहुत क्रोधित हो गए और गुस्से में बोले, अबे ओ सत्यानाशी, गलत जवाब देने पे बच्चे को दे रहा है शाबाशी। अबे ओ सत्यानाशी, गलत जवाब देने पे बच्चे को दे रहा है शाबाशी। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए डीओ साहब से कहा, सर आप नहीं जानते इस बच्चे का राज, कल जब आप कक्षा में नहीं आए थे तब इसने 2 और 2 6 बताए थे, आज बताकर 5 प्रकृति करता जाएगा, मुझे विश्वास है कल अपने आप 4 पे आ जाएगा। तो यही सीखने की पद्धति है, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। हिंदी व्याकरण बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये सारी जितनी भी कॉम्पिटिशन परीक्षाएं हैं, टेक्निकल कोर्स को छोड़ के, चाहे वो प्रशासनिक परीक्षा हो, पटवारी की हो, संविदा शिक्षक की हो, चाहे वो तुम्हारी क्रूड इंस्पेक्टर की हो, और एसआई में तो 70 नंबर की हिंदी आती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ग्रामर ही आती है सब में, चाहे पीएससी की हो, कोई भी परीक्षा बड़ी ले लो प्रशासनिक, उन सब में बहुत अच्छे स्तर की हिंदी आने लगी है। और वो ये हिंदी व्याकरण जो आप लोग ये पढ़ रहे हैं, यही हिंदी आती है उसमें भी। इसलिए ये आपके इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, क्लास के लिए, उसके साथ साथ आपके जीवन के लिए, आगे जब कॉम्पिटिशन आप देंगे, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है।